नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम आपको दी थी फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने की, फर्स्ट और एडिशनल एक्सरसाइज। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हमारे पास भेजी है, वो क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 32 जो है, ये क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम आई। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आई है। इसके अलावा भी अगर किसी की प्रॉब्लम है वो अब भी मेरे पास सेंड कर सकते हैं। तो आज जो है हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो 29, आप स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी से चेक कर लें। 29 अगर बात करें उसमें क्या दे रखा है, होलो चार्ज कंडक्टर हैज ए टीनी होल। आप अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके उसको पढ़ सकते हो। बोल रहे कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा होल कर दिया, कोई मटेरियल उसके अंदर से निकाल लिया है। ये आपका कंडक्टर है पूरा का पूरा, उसके अंदर छोटा सा मटेरियल आपने छोटा सा होल कर दिया है। बोल रहे हैं उस होल के अंदर, जब आप उस होल के अंदर चले जाते हो तो उसके अंदर जो फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन, एन इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट वेयर होल इज क्रिएटेड। तो आपको ये प्रूव करना है कि इतना फील्ड हो। अब हमने आपको क्या पढ़ाया है उसके बारे में बात करते हैं। एक कंडक्टर के कारण बाहर जो फील्ड हमने पढ़ाया, बोला कि एक पूरा कंडक्टर है उसके अंदर जो फील्ड होगा दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। एक कंडक्टर के कारण आउटसाइड पे फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसा हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ा है। तो छोटा सा होल, थोड़ा सा मटेरियल आप यहां से हटा देते हो तो हम क्या बात कर रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम मान लेते हैं कि पूरा कंडक्टर, उसको मैंने वन मान लिया है, मान लिया कि ये पार्ट वन है और इसके अंदर थोड़ा सा जो मटेरियल आप टीनी होल में निकाल रहे हो उसको मैंने पार्ट टू मान लिया। मान लिया कि हम जो है कंडक्टर के दो पार्ट मान लें, एक तो ये पूरा जो कंडक्टर आ गया है विदाउट ये होल के मटीरियल के, और ये होल का मटीरियल जिसको आपने सेकेंड पार्ट मान लिया। इन दोनों के कारण यहां पे जो फील्ड का वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर, वो फील्ड जो है पूरे कंडक्टर के कारण सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मान लिया इस पार्ट वन के कारण यहां पे फील्ड कितना है ई वन, और इस पार्ट टू के कारण भी फील्ड यहां पे कितना है ई टू। इन दोनों का सम अगर एक ही डायरेक्शन में है, इन दोनों का सम जो है वो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। आप इस बात से एग्री करने चाहिए क्योंकि यहां पे मैं कंडक्टर को दो पार्ट में मान रहा हूं, एक ये मैंने बोला कि कंडक्टर के कारण फील्ड तो इतना होता है। इसका मतलब क्या है, इस कंडक्टर के कारण और इस मटेरियल के कारण इनको अलग अलग मान रहा हूं, इन दोनों का फील्ड इतना है। इसका मतलब इन दोनों का सम इस पूरे के कारण और इस मटेरियल के कारण फील्ड का जो सम है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। और आपको पता करना है कि इसके जस्ट आप थोड़ा सा अंदर चले गए, जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर गए तो आ तो गए कंडक्टर के अंदर, जैसे ही इसके अंदर आप आओगे तो कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है जीरो। और आपको बोलना है कि जस्ट आप थोड़ा सा अंदर आए हो तभी आपको फील्ड बताना। अब तभी आपको फील्ड बताना है जैसे ही आप अंदर आए, ये वाला मेटीरियल आपने यहां से हटा दिया, मान लिया कि ये वो मटेरियल था और ये आपने जैसे ही जस्ट आया आप उसके अंदर आ गए यहां थोड़ा सा, तो यहां पे फील्ड की वैल्यू नेट फील्ड मतलब इसके कारण और इसके कारण E1 और E2 इन दोनों का सम जो है वो जीरो हो जाता है। यहां दोनों का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है और जैसे ही थोड़ा सा अंदर आते हो उन दोनों का सम कितना हो जाता है जीरो। इसका कारण क्या है आप सुनिए, अब जैसे ही ये मटेरियल आपने हटाया, जैसे ही मटेरियल आपने ये हटाया तो क्या होगा, इस मटेरियल के कारण अगर हम इस कंडक्टर के कारण बात करेंगे, इसके कारण यहां पे, इसके कारण यहां पे जो फील्ड होगा ये दोनों का सम जीरो होना चाहिए, इसके कारण और इसके कारण। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जैसे ही हम अंदर आए तो ये वाला मटेरियल जो इस होल का मटेरियल है
वो इससे इस तरफ चला गया, जिस पॉइंट पे आप फील्ड जस्ट इनसाइड द होल अगर आप निकालना चाहते हो, तो जैसे ही आप इनसाइड में आए तो इस मटेरियल के कारण फील्ड का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हो गया। अगर मतलब आपके पास कोई मटेरियल है तो इस तरफ फील्ड निकालोगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस तरफ फील्ड निकालेंगे तो इस तरफ होगी। तो इसके जस्ट जैसे ही अंदर आए तो इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ। और थोड़ा सा ही निकाला है तो E1 के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, और इन दोनों का सम जीरो है। इसका मतलब क्या है, जब दो चीजें इक्वल हो, जब दो चीजें अपोजिट हो और उनका सम जीरो आ रहा हो, इसका मतलब क्या है, E1 इज इक्वल टू माइनस E2। इसका मतलब क्या है कि दोनों फील्ड इक्वल है और अपोजिट है। दोनों फील्ड इक्वल है इसका मतलब E1 का फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस E2 का फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर देखेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया, और इसके अंदर अगर हम देखें तो फील्ड जो है वो दो आ गए, एक E1 आ गया एक E2 आ गया, और वो इक्वल और अपोजिट है। इसका मतलब जैसे ही इस मटेरियल के इनसाइड, जैसे ही आप इस पिन होल के अंदर आते हो तो ये वाला जो मटेरियल जैसे ही आपने हटा लिया, मतलब जैसे ही आप अंदर आए तो ये मटेरियल तो हट ही गया जो पिन आपने किया, तो E2 की वैल्यू हट गई यहां से, E2 यहां पे नहीं है, सिर्फ यहां पे E1 है, और E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किस तरफ है, बाहर की साइड, तो N आउटवर्ड नॉर्मल है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 जस्ट इनसाइड दिस होल। ये आपका कॉन्सेप्ट है, फिर से समझिए, मैं बोल रहा हूं कि आउटसाइड के ऊपर इस पूरे कंडक्टर के कारण फर्स्ट और सेकंड के कारण आउटसाइड पे फील्ड एक ही तरफ है, और फील्ड अगर एक ही तरफ है तो दोनों का सम जो है पूरे कंडक्टर के कारण फील्ड इतना होता है, तो दोनों का सम ये आ गया, ये आ गया। और हमने जस्ट इनसाइड द होल देखा, तो हमने देखा कि जैसे ही हम कंडक्टर के इनसाइड में आते हैं तो नेट फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब E1 और E2 का सम जीरो। अब इस मटेरियल के हम इस तरफ आ गए हैं तो E2 की डायरेक्शन चेंज हो गई यहां पे, और इन दोनों का सम जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। इसका मतलब जैसे ही मटेरियल के, जैसे आप पिन होल करके जैसे ही अंदर आते हो तो ये मटेरियल तो हट जाता है, तो E2 तो चला गया, सिर्फ E1 बचा, और E1 की वैल्यू इक्वल और अपोजिट है, तो कितनी आई है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और किस तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल वो डायरेक्शन ले रहा है, तो यही फील्ड बचेगा और ये आउटवर्ड नॉर्मल होगी E1 की डायरेक्शन। ये आपका 29 का सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आप देखें हम क्वेश्चन नंबर 30 के बाद बोल रहे हैं, देयर इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, देयर इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इनफाइनाइट वेरी वेरी लॉन्ग, और आप किसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो जो कि इससे डी डिस्टेंस पे, लेकिन क्वेश्चन ये है विदाउट गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम से रिजल्ट तो निकाल चुके हैं, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ऐसा कुछ रिजल्ट हमारे पास आ गया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बट इन दिस केस वी कांट यूज गॉस थ्योरम, we want to find field at this point P which is the distance from this linear charge density lambda. तो हम इस केस में क्या करेंगे, let a small element of length dx, हमने एक छोटी सी length काट ली dx, एट द डिस्टेंस, आप बोलो इसको कितनी, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ, ये वाला पॉइंट आपने ओ मान लिया, ओ से एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, दैट इज डीएक्स, चार्ज ऑन दिस डीएक्स, डी क्यू, छोटा सा चार्ज इसके ऊपर कितना होगा, लैम्डा डीएक्स, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई में उसकी
ये तो आप फॉर्मूला लिख चुके हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ होता है, तो चार्ज लैम्डा इज लेंथ, लेंथ के लिए इस छोटे से चार्ज के कारण, ये बड़ा छोटा है आपको दिखाने के लिए, कुछ को प्रॉब्लम आ रही है हम काफी छोटा लिखते हैं इसलिए, तो इसके कारण इस बी क्यू के कारण इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालेंगे तो डीई की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, और हम डीई को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि क्यू क्यू क्या डी क्यू डिवाइड में डिस्टेंस ये कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट, यहां पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका रूट, ये फील्ड आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो E का इस तरफ कंपोनेंट होगा, अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ये हो गया डी ई कोस थीटा, वही का है, और यहां पे हो जाएगा डी ई साइन, ऐसे ही कंपोनेंट यहां पे भी मानोगे वो इस तरफ आ जाएगा डी ई, उसका कोस थीटा तो इस तरफ और साइन थीटा इस तरफ होगा, साइन थीटा को कैंसिल कर देगा सिर्फ कोस थीटा बचेगा, तो मैं यहाँ पे डी ई नेट, मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा चुका हूं, तो वो क्या आ जाएगा के डी क्यू डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे रूट का भी रूट हट जाएगा, तो दिस डिवाइड इनटू कोस थीटा, दिस इज अ नेट फील्ड, हम सिर्फ कोस थीटा की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, पूरा फील्ड निकालना है, तो लिमिट में कहां से कहां पुट करूं कि हमारा काम चल जाए, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है इन दैट केस, अगर ये काफी डिस्टेंस तक जा रही है उस केस में थीटा अप टू इंफिनिटी अगर बात करेंगे तो थीटा ऊपर बन जाएगा लेंथ पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, और नीचे वाला ये भी इंफिनिटी तक जा रही है तो ये कितनी हो जाएगी, यहां पर अगर थीटा की बात करेंगे मतलब ये इनफाइनाइट होगा तो ये थीटा बढ़ता जाएगा और जब इनफिनिटी पे होगा तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट पाई बाय टू दैट इज 90, और यहां पे क्या हो जाएगा अगर ये भी इनफिनिटी तक जा रहा है तो थीटा बढ़ता जाएगा मतलब बढ़ता, देखो यहां से आप थीटा को बढ़ाते जाओ इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे -90, अगर इससे हम कर रहे हैं तो ये -90 और यहाँ पे +90, तो थीटा की लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है जब ये पूरी लेंथ कवर हो जाए -π/2 to +π/2 या -90 to +90 इसकी। लेकिन यहां पे जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो x भी चेंज करता है और थीटा भी चेंज करता है, वेरिएबल तो हमें एक चाहिए और हमारे पास लिमिट जो है वो थीटा की, तो हम यहां पे x को थीटा में चेंज कर लेंगे और लिमिट थीटा की लगा देंगे, तो x को थीटा में चेंज करने के लिए हम इस ट्रेंगल की हेल्प लेंगे, ये वाले जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल के अंदर से फ्रॉम ट्रेंगल, मैं इसको R लिख देता हूं ORP, फ्रॉम ट्रेंगल ORP से आप लिख सकते हो क्या cos थीटा सॉरी cos थीटा क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज x/d, और x का वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या d tan थीटा, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि हमें dx सॉरी dq की जगह हम ये वाली वैल्यू यहां पे रख देंगे लैम्डा dx, dx को भी चेंज करना तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप dx/d थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी कॉन्स्टेंट टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाय डी थीटा वन हो जाएगा, तो आपके पास डी एक्स का वैल्यू आ गया है डी सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी एक्स का वैल्यू आ गया ये एक्स का वैल्यू आ गया, अब x और dx इसको थीटा में लेके जाना तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सर ये थोड़ी सी ऊपर लिख दो ये नीचे वाला दिख नहीं रहा, dx का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से d थीटा इस तरफ लेके जाएंगे तो dx का वैल्यू आ चुका है आपके पास d secant square theta d थीटा, आपके पास x का वैल्यू आ गया है d tan थीटा,
हम इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर, जिससे डी की नेट आ जाएगा आपका, मैं यहां लिख रहा हूं डी ई नेट की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास के लैम्डा डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू कितनी है, डी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और उसके बाद क्या है कोस थीटा, हमने कोस थीटा यहां पे या भी डिवाइड में, नीचे है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाए। अब आप इसको सोल्व करेंगे डी ई नेट, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के लैम्डा डी सीकेंट स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा डिवाइड में डी स्क्वायर बाहर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन ही होता है, हमने वो रिलेशन यूज कर लिया, यहां पे काट दिया डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई नेट आपके पास क्या आ गया के लैम्डा बाई डी कोस थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी ई नेट इंटीग्रेशन के लैम्डा डी, के लैम्डा डी बाहर आ गई और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा कहां से कहां तक माइनस पाई बाई टू या माइनस नाइनटी टू प्लस नाइनटी, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो ये थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ सकता है 90 तक बढ़ सकता है, ये लिमिट हम रख देंगे, ये आ जाएगा आपका नेट फील्ड दैट इज के, के को अब आप लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, इसको आप सोल्व करेंगे कोस का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो साइन थीटा कहां से कहां तक माइनस 92 प्लस 90, आप सोल्व करेंगे लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस साइन माइनस 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और साइन माइनस 90 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है इसलिए माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो e का वैल्यू कितना आ गया लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 विदाउट गॉस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन डिराइव द वैल्यू ऑफ फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। अब हम 32 क्वेश्चन करें, थर्टी टू की बात कर रहे हैं हम, 32 जो एडिशनल आपकी एक्सरसाइज में बोल रहे हैं कि कोई आर्बिट्री फील्ड है, कैसे भी ऐसे कुछ फील्ड है, पता नहीं इरेगुलर फील्ड है, ऐसे कुछ डायरेक्शन है उसकी, कोई पॉइंट है जिसका जिसके ऊपर फील्ड जो है जीरो, अगर आप उसके ऊपर कोई चार्ज रखते हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी ही होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, मान लिया लेट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, मान लिया कि स्टेबल, और अगर फील्ड स्टेबल है इक्विलिब्रियम स्टेबल है इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो वापस उसी जगह आएगा, इसका मतलब क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन इसके चारों तरफ ऐसा कुछ फील्ड है कि कैसे भी आप उसको डिस्प्लेस करो वो वापस उसी जगह पे आएगा, तो ऐसे इनवर्ड फील्ड होना चाहिए क्योंकि ऐसे करोगे तब वापस, ऐसे करोगे तब वापस, ऐसे करोगे तब वापस, उसी प्लेस पे वापस आ जाएगा, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे क्लोज सरफेस अज्यूम करूं
क्लोज सरफेस अगर मैं अज्यूम करूं तो बाय गॉस थ्योरम हम क्या लिखते हैं, ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि फील्ड तो जीरो है, और फील्ड अगर जीरो है, ई अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, क्यू इन भी जीरो होना चाहिए, क्यू इन इज इक्वल टू वो भी जीरो है। लेकिन क्यू इन तो भैया यहां पे जीरो नहीं है, बट क्यू इन नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आप स्टेबल मानते हो तो ये कंडीशन हमारे सामने आती है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि है ही नहीं रियल। इसका मतलब क्या है, कौन सा बच गया, अनस्टेबल। तो नेसेसरी है कि वो अनस्टेबल ही होगा। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एक सिचुएशन आपको ऐसे बतानी है, तो आप देखिए बोल रहा है टू इक्वल और अपोजिट चार्ज, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को यहां पर रख दो और एक चार्ज यहां रखो इसके मिडल में, तो जैसे ही इस चार्ज को मैं डिस्प्लेस करूं इस तरफ यहां लेके आऊंगा, तो ये वाला चार्ज के पास आ जाएगा, फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वो इसको वापस इधर धकेल देगा, इधर लेके जाओगे तो वापस इधर धकेल देगा। तो ये अगर ऐसे देखोगे तो स्टेबल में लग रहा है कि आप डिस्प्लेस करोगे, लेकिन इक्विलिब्रियम का ये डेफिनेशन नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का ये डेफिनेशन होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करो, वापस उसी जगह पे आ जाए, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल के लिए। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस कर दूं, यहां डिस्प्लेस कर दूं, तो यहां तो ठीक था फील्ड जीरो है, लेकिन अगर जैसे ही मैं यहां करूंगा तो ये वाला चार्ज इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला ऐसे फोर्स लगाएगा, और ये वापस ना आके ऐसे कुछ चला जाएगा। वैसे ही इस तरफ डिस्प्लेस करोगे तो फील्ड ऐसे और ऐसे, फोर्स इसको ऐसे कुछ लग जाएगा और ये ऐसे कुछ चला जाएगा वापस उस पर, तो ये भी अनस्टेबल फील्ड होगा। तो ये आपका तीन क्वेश्चन ही मेरे पास डाउट क्या है, और भी किसी का कोई डाउट है तो वो भेज सकते हैं। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।